Subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस सीजन 13 का सफर खत्म हो गया। अब सिद्धार्थ के विनर बनने के बाद टीवी एक्ट्रेस और भाभी जी घर पर हैं कि हिस्सा रह चुकी एक्स अंगूरी भाभी और शिल्पा शिंदे ने एक्टर पर कई सारे आरोप लगाए हैं। आपको याद दिला दें कि खुद बिग बॉस की विनर भी रह चुकी हैं शिल्पा शिंदे। और तो और सिद्धार्थ शुक्ला पर आरोप लगाते हुए शिल्पा ने कहा कि जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तब एक्टर उनके साथ काफ़ी गाली गलौच मारपीट किया करते थे। इतना ही नहीं, शिल्पा ने एक इंटरव्यू में बताया कि सिद्धार्थ ने उन पर तेजाब फेंकने तक की धमकी दी थी। ऐसे में अब शिल्पा के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर लोग एक्ट्रेस का सपोर्ट करते हुए रिएक्शन दे रहे हैं, तो वहीं कई सारे यूजर्स उनके आरोपों को सरासर गलत बता रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। जानकारी देते हैं आपको कि साल 2010 और 2011 में शिल्पा और सिद्धार्थ के अफेयर की खबरें सामने आई थी। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे को डेट किया करते थे। इनकी मुलाकात एक फैमिली पार्टी में हुई थी। हालांकि ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे क्योंकि ये लोग फैमिली फ्रेंड थे। आपको ये बता दें कि इनका रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका था और दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अपने ब्रेकअप की वजह से शिल्पा ने सिद्धार्थ का गुस्सैल नेचर बताया। एक इंटरव्यू में बात करते हुए शिल्पा ने बताया कि जब वो सिद्धार्थ के साथ रिश्ते में थी तब सिद्धार्थ उनके साथ काफ़ी गाली गलौच और मारपीट किया करते थे। शिल्पा ने आगे ये भी कहा कि सिद्धार्थ का नेचर एकदम पोजेसिव था। जब मैं किसी कारण उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती तब वो मुझ पर एकदम भड़क उठते थे, ये कहा शिल्पा ने। इतना ही नहीं, वो कभी कभी इतना शॉर्ट टेम्पर्ड और एग्रेसिव हो जाते थे कि मैं उनके गुस्से से काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी। शिल्पा ने आगे ये भी कहा कि जब सिद्धार्थ का खुद का कभी फ़ोन बंद होता था या वो फ़ोन ही नहीं उठा पाते थे तब इस पर मैं उनसे सवाल करती थी तो वो मुझे सामने से 4 थप्पड़ पड़ते थे, खूब गालियां देते और बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती थी कि वो गुस्से में अपशब्द कह देते। उस समय जितना बुरा हो सकता था वो होता था। इसके बाद शिल्पा ये भी कहती हैं कि जब उनका व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा खराब होता चला गया तो मैं उनसे ब्रेकअप करने की ठान चुकी थी और ब्रेकअप करने की बात कही। मैं उसका जवाब देने के लिए मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो मुझे छोड़कर दिखाओ, मैं मुंह पर एसिड फेंक दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैंने सिद्धार्थ की माँ को भी ये सारी बातें बताई थी। आपको बता दें कि जब शिल्पा ने बिग बॉस फिनाले के एक पहले सिद्धार्थ को लेकर ये सारी बातें कही थी, इसके बारे में जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला बने, एक ऐसा इंसान जो औरतों के साथ गंदा व्यवहार करता है। आपको ये बता दें कि शिल्पा के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। शिल्पा के फैंस सिद्धार्थ की जीत और शिल्पा के साथ किए गए व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं एक यूज़र शिल्पा के इस खुलासे पर उन्हें बुरा भला कहने लगे। यूज़र्स का कहना है कि 4 महीने से बिग बॉस शो चल रहा था लेकिन आपने इससे पहले कुछ नहीं कहा और लास्ट मोमेंट और फिनाले के एक दिन पहले आपके इस खुलासे का आखिरकार मतलब क्या है। खैर, आपका क्या रिएक्शन है इन सब पर हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।